ये देखिए दोस्तों, आज मैंने बनाया है पत्ता गोभी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी ऐसा नाश्ता, जो कि बाहर से है क्रिस्पी और अंदर से है सॉफ्ट और खाने में है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये देखिए दोस्तों, और आप इसे शाम की चाय के साथ या सुबह ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस रेसिपी को आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। गोभी से नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी 250 ग्राम पत्ता गोभी, और जिसे मैंने कद्दूकस करके रेडी कर लिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और उसके बाद चाहिए होगा 1/4 कप गेहूं का आटा, और ये लगभग 45 ग्राम है, और उसके साथ ही लेंगे 1/4 कप सूजी, और ये भी लगभग 45 ग्राम है, और उसके बाद लेंगे 1/4 कप बेसन, और ये लगभग 35 ग्राम है। नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, और उसके बाद डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ा चम्मच दही, एक बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए डो बना लेंगे, और वैसे हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, पर अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको डो बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक या दो छोटे चम्मच पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, डो मैंने रेडी कर लिया है, पर ये अभी भी चिपचिपा है, और इसमें मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगा और हाथों में नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए, मैंने पूरे डो पे ऑयल लगा लिया है, और अब मैं थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में ले लेती हूँ, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके लंबे लंबे रोल बना लेंगे, और हमें इसके सिर्फ दो ही रोल बनाने हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको लंबा लंबा करके इसका रोल बना लेंगे, और हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। तो ये देखिए, रख लेते हैं प्लेट में, और यहाँ पे मैंने दो रोल बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमने जो रोल बना के रेडी किए हैं, उन रोल को हमें स्टीम देनी होगी। तो मैंने यहाँ पर स्टीमर में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब देखिए पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और उसके ऊपर हम इस तरीके की जाली वाली प्लेट रख लेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेट पर भी इसको स्टीम दे सकते हैं। और मैंने इस प्लेट को ग्रीस कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर अपने रोल रख लेते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों रोल को प्लेट पर रख दिया है, और अब हम इसे कवर कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तो दोस्तों, 15 मिनट के बाद हम अपने रोल को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टूथपिक ली है, और हम इस तरीके से अपने रोल में डाल के देखेंगे। तो ये देखिए, ये एकदम क्लीन निकल के आई है, और अगर ये क्लीन नहीं निकल के आई है, इसका मतलब आपके रोल बन के अभी रेडी नहीं हुए, आप उनको थोड़ी देर और स्टीम करिए। तो मेरे रोल एकदम रेडी है, मैं गैस का फ्लेम बंद करके इनको एक प्लेट में निकाल के और इनको पूरी तरीके से ठंडा कर लेती हूँ। तो देखिए, जो दोनों रोल हैं वो अब पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं, तो हम इनको कट करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पीस कट करेंगे, और याद रखें जब तक रोल ठंडा ना हो तब तक आप उनके पीस कट ना करें। और इसी तरीके से सारे पीस कट कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने सारे पीस कट करके रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हम एक खाली पैन ले लेंगे, और एक बड़ा चम्मच हम वेजिटेबल ऑयल डाल लेंगे, और डाल देते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच राई, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, दो छोटे चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़े से करी पत्ते, और आधा मिनट के लिए हम इनको अच्छे से तल लेंगे। सेकंड पकने के बाद हम इसमें अपने पीस डाल देंगे, जो कि हमने अपने रोल के करके रेडी करे हैं, और अब हम अपने सारे मसाले में इनको मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों में मिक्स करने के बाद हम इनको 2 मिनट के लिए लगभग लो फ्लेम पे अच्छे से तल लेंगे, ताकि इनकी बाहर की लेयर जो है वो क्रिस्प हो जाए। 2 मिनट तलने के बाद ये देखिए, इनके ऊपर की जो लेयर है वो हल्की सी क्रिस्प होने लगी है, और कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे मेरे सारे पीस जो हैं वो अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एक छोटे साइज़ का नींबू का रस,
नींबू का रस डालने से जो हमारे ये चीज हैं ये बहुत ही टेस्टी हो जाएंगे, चटपटे और खट्टे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो दोस्तों ये पत्ता गोभी से बनने वाला स्नैक्स एकदम रेडी है, तो अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी से बनने वाला नाश्ता बनके एकदम रेडी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।